दो ऐसी देसी नस्ल की गाय जिनका दूध स्वस्थ मानव जीवन के लिए अमृत समान माना जाता है। सबसे गाढ़ा और पौष्टिक तत्वों से भरपूर इन गायों का दूध खास तौर से पशुपालकों को खूब मुनाफा देती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं साहिवाल और गिर नस्ल की गाय की, जिसमें गिर नस्ल की गाय दूध के मामले में साहिवाल से भी आगे है, क्योंकि साहिवाल के दूध से गिर नस्ल के गाय का दूध थोड़ा और गाढ़ा होता है। आइए जानते हैं आखिर एक्सपर्ट पशुपालकों को इन दो देसी नस्ल की गाय पालने की सलाह क्यों देते हैं। डॉक्टर एसडी द्विवेदी, डिप्टी सीबीओ बलिया सदर। देखिए, स्वास्थ्य के आधार पे दो गाय की नस्ल ऐसी हैं जो हमारी देसी प्रजाति हैं, जिसमें गिर नस्ल है और साहिवाल नस्ल है। दो का दूध बहुत अच्छा होता है और स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है। क्या होता है स्वास्थ्य? क्योंकि ये देसी प्रजाति के हमारे पशु हैं, इनका दूध जो है गाढ़ा होता है और बहुत पौष्टिक होता है। खासकर जो गिर नस्ल की गाय है, इसके जिसका दूध गाढ़ा ज़्यादा होता है और इसको A2 मिल्क कहते हैं। बड़े शहरों में आप देखेंगे कि 100 रुपये लीटर से ज़्यादा का ये दूध का इसका दाम मिलता है, 100 रुपये लीटर से ज़्यादा का दाम रहता है इसमें, और अच्छे रेट पर मिलता है और स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है। कैसे इनका देखभाल किया जाता है और क्या बीमारी? ये देसी नस्ल के पशु हैं, इनमें बीमारी बहुत कम होती है, इसीलिए पशुपालकों को सलाह दिया जाता है कि देसी नस्ल के पशु पालें, कि इनमें बीमारी की संभावना कम से कम रहती है। और इनको अगर खान पान सही रखा जाए, जैसे कि गायों में पाया जाता है कि अगर जो गाय 3 लीटर दूध दे रही है, 3 से 4 लीटर दूध दे रही है, तो उसको 1 किलो राशन दिया जाता है, पशु आहार दिया जाता है, और उसके मेंटेनेंस के लिए, जिसको जीवन निर्वाह राशन कहते हैं, उसके लिए 1 किलो अलग से दिया जाता है। तो इस प्रकार से अगर हम इसका खान पान का ख्याल रखें कि 3 से 4 लीटर दूध पे 1 किलो उसको राशन दें, मिनरल मिक्सचर 50 ग्राम दें, 30 ग्राम नमक दें, तो हमारे पशु हमेशा स्वस्थ रहेंगे, बीमार नहीं पड़ेंगे। और हर 6 महीने पे एक बार कीड़ी की दवा दे दी जाए तो हमेशा स्वस्थ रहेंगे, कभी बीमार नहीं होंगे। कितना लगभग दूध होता है? साहिवाल और गिर का करीब करीब 10 से 15 लीटर दूध जो है 24 घंटे में देती है, और अच्छा दूध रहता है। लोकल 18 के लिए बलिया से सनंदन उपाध्याय की रिपोर्ट।